बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके पास जो डिश लेके आई हूँ उनको आप मीठे नूडल्स कह सकते हैं, गुड़ वाली सेवैयाँ कह सकते हैं। मैं जो इसको कर रही हूँ बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे बच्चे अमूमन नहीं खाते, तो उनको मैंने यही कहा है कि ये आपका मीठे नूडल्स हैं। यानी कि वही बात आ जाती है कि इंग्लिश फूड और देसी तड़का, वो काम हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास आधा किलो गुड़ है और आधा किलो मेरे पास सूजी की सेवैयाँ बनी हुई हैं। अब इनको बनाना कैसे है, सबसे पहले मैं आधा किलो गुड़ में एक किलो पानी डाल के इसकी चाश बननी रखने दूँगी और जो सेवैयाँ हैं इनको मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ जी। तो गाइस ये देखें, चाश हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें से जो एक्स्ट्रा जो डस्ट वगैरह है उसको स्टेन कर लेंगे। अच्छा, अब अगर तो आपने गुड़ वाली सेवैयाँ बनानी है तो आप सबसे पहले जो सेवैयाँ हैं उनको तकरीबन ये एक एक गिट कटिंग करके इनको आप ऑयल में पहले फ्राई कर लेंगे। अगर आपने मीठे नूडल्स बनाने हैं तो आप इसको डायरेक्ट इसके अंदर ऐड कर दोगे जी। तो गाइस अब मैं इसके अंदर तीन खाने वाले चम्मच जो है वो मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है और इसमें जोश आने का वेट करूँगी। जोश आने पे इसके अंदर हम सेवैयाँ जो हैं वो ऐड करेंगे, क्योंकि हमने उनको तोड़ना नहीं है, हमने उनको नूडल्स की लुक देनी है, तो इसलिए उनको डायरेक्टली इसी तरह उसके अंदर ऐड करेंगे जी। तो गाइस इस पॉइंट पे आके हम सेवैयों को ऐड करेंगे और फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रहे यहाँ पे फ्लेम हमने इसका कम कर दी है। अब इसको मैक्सिमम 10 मिनट तक पकने देंगे, उसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे, इसको कवर कर देंगे जी। तो गाइस मैक्सिमम 10 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ। खुशबू के लिए आप इसमें इलायची ऐड कर सकते हैं, मैंने 2 से 3 जो इलायचियाँ थी वो खोल के इसमें डाली है। ये देखिए, लेकिन अभी जो है इसे टाइम लगेगा, हम 5 मिनट के लिए और इसको छोड़ेंगे। जब इसमें से ये पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद इसको दम लगाएंगे जी। तो गाइस अब 5 मिनट के बाद हमने इसे चेक किया, अभी इस पॉइंट पे आ गया कि इसको हम दम लगा दें। तो जिस तरह चावलों के नीचे फ्लेम को कम करते हैं, इसी तरह हमने इसके नीचे फ्लेम को कम करना है और 10 मिनट तक इसको दम लगाना है। 10 मिनट के बाद इसको खोलेंगे, इंशाल्लाह ताला हमारे मीठे नूडल्स रेडी होंगे जी। तो गाइस अब हम अपना जो सेवैयाँ हैं उनको चेक करते हैं जी। तो पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जी। तो मीठे नूडल्स हमारे रेडी हैं, फ्लेम बंद कर देंगे और इसको डिश आउट करते हैं जी। तो गाइस हमारे मीठे नूडल्स बिल्कुल रेडी हैं, ये देखिए, और इंशाल्लाह ताला घर पे बनाएं, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे और बहुत मज़े से खाएंगे। और एक और बात, आजकल काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ज़ुकाम है, तो ज़ुकाम की हालत में गुड़ वाली सेवैयाँ जो हैं जिनको हम मीठे नूडल्स कह रहे हैं, तो ये भी उसके लिए बहुत अच्छी हैं, गला ठीक हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।